नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। सिलसिला बाजारों के में बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज़ की कि किस कॉमोडिटी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस में तेज़ी है, किस में मंदी है। तो इन सब पे ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुक्रिया रूपा जी। शुरुआत करेंगे सोने चांदी से, बात करते हैं। बता दें कि सोना आज MCX पर 50,640 पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी की बात करें तो 57,044 पर ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में या कुछ टाइम में चांदी को पीछे सोना छोड़ पाएगा? क्या कुछ बाजार सोने चांदी का देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और अभी भी हम देखें तो विदेशी बाजारों में मार्केट जो है वो नीचे है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 1740 डॉलर के बेहद इंपैक्ट आज ब्रेक किया, लेकिन अभी भी 1740 डॉलर के करीब जो है कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लेवल्स हैं टेक्निकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1720 डॉलर तक नीचे में हो सकता है कि मार्केट गिर जाए और वहां से एक सपोर्ट लेता दिखाई दे। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है, नो डाउट। सोना और चांदी आगे चलकर आने वाले समय में बेहतरीन जो है वो तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आर्थिक मंदी की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है और आज भी फेड की मीटिंग्स है, काफी मिनट्स निकल कर आने हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से इंटरेस्ट रेटों के ऊपर जो है वो कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर बाइंग की ही पोजीशन रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप, थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन होना चाहिए, आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि थोड़ा सा लंबे समय के लिए इसमें पोजीशन बनाए, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से या शॉर्ट टर्म इसके अंदर फिलहाल बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट में उठापटक बनी रहेगी और दूसरी स्तरों से बाजारों में फिसलन जो है वो बनी रह सकती है। लेकिन वहीं सेलिंग की बजाय रिकमेंडेशन रहेगा बाइंग का, हम पर आप बाय करके चल सकते हैं जी। रूपा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल आज 103 पर ये ट्रेड मतलब कि ट्रेड करता दिखा है और कच्चे तेल में थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिली है। बता दें कि अगर कच्चे तेल की बात करें तो MCX पर भी ये $100 के ऊपर के आसपास ही कारोबार करता हुआ दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिरावट भी देखने को मिली थी कल हमें? तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा बाज़ार? देखिए, कच्चे तेल में भी प्रेशर जो है विदेशी बाजारों में इंटैक्ट है और बना हुआ है। सेम एज इट इज जैसे सोने और चांदी का आउटलुक बनता दिखाई दे रहा है, वैसे ही कच्चा तेल भी विदेशी बाजारों में $92 तक नीचे सस्टेन कर सकता है, $98 के आसपास। अब यहाँ पर सपोर्ट मिल गया तो वापस से रिकवरी आ सकती है, अदरवाइज करेक्शन में $92 तक एक बार मार्केट जा सकता है। जिस तरीके से गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं $1720 तक, वैसे ही क्रूड में भी $98 तक की गिरावट है एक्सपेक्टेड जो कि देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो आज हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, 7860 से लेकर 7880 तक अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए और क्रूड के अंदर कोई भी पोजिशन बनाए तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में चलना चाहिए, क्योंकि सप्लाई का डिस्टर्बेंस अभी भी देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आ रही है, कुछ रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि कच्चा तेल आगे चलकर बहुत ज्यादा तेजी में जा सकता है, तो वही कुछ रिपोर्ट्स ये भी कही जा रही है कि अगर कच्चे तेल में यहाँ पर डिमांड अहम रोल प्ले करती दिखाई दे सकती है और डिमांड अगर कम होती है तो कच्चे तेल के प्राइसेस लुढ़कते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और $65 तक भी गिर सकता है। वही कुछ जगह पर $65 के टारगेट तो कहीं $200-$250 के टारगेट देखने को मिल रही है। तो यानी कि अभी काफी मिक्स स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी क्रूड के अंदर जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है और अगर प्रोडक्शन घटता है और अगर डिमांड इंटैक्ट रहती है तो वापसी से तेजी में मार्केट आ सकता है। लेकिन अभी के लिए जो $92 के आसपास, $90-$92 के आसपास हम इसको सस्टेन होता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करें, निचले स्तरों पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी $90 के आसपास, $90-$92 के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करके चला जा सकता है। रूपा जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी आज तेजी देखने को मिली है, तो नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में भी बाजार जो है फिसलन की तरफ है और ऊपरी स्तरों से बाजारों में गिरावट देखने को मिली है और अब यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर इंट्राडे में देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि 420-400 तक नीचे में प्रेशर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एनर्जी सेक्टर में वेट करें
और बाइंग को अवॉइड करें, ऊपरी स्तर मतलब मीन सेलिंग को अवॉइड करें, लेकिन बाइंग जो है वो निचले स्तरों पर करने की कोशिश करें। अगर बाजार यहाँ से थोड़ा बहुत और लुढ़कते हैं तो वहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चला जा सकता है। रूपा जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में भी हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है, तो आप बेस मेटल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, बेस मेटल में हल्की रिकवरी आती जरूर दिखाई दी है, लेकिन चाइना की तरफ से डिमांड जो है वो फिसलती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से बेस मेटल जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर जनरेट हुआ है मार्केट में और अब शॉर्ट कवरिंग है। 640 से 660 की रेंज कॉपर की बनती दिखाई दे रही है और 260 से 280 के बीच में जिंक जो है वो ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज एल्यूमिनियम भी 208 से 212 की रेंज में रह सकता है। तो बेस मेटल्स में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। रूपा जी, अगर नॉन एग्री कॉमोडिटीज में अगर बात करें, इंट्राडे में क्या कुछ करके चलना चाहिए, कौन सी कॉमोडिटीज है जो हम इसमें आगे कारोबार करके चल सकते हैं? देखिए, इंट्राडे ग्रोथ टैक्सिस से आज बाइंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग है तो आप बाय कर सकते हैं कॉपर 660 के टारगेट के लिए और जिंक जो है 278 के टारगेट के लिए, 278 से 280 के लिए बाय किया जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा वेट करें, नीचे आए मार्केट तो वहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है, यहाँ पर भी आप स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक बाइंग जो है वो करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सोना चांदी और बेस मेटल निचले स्तरों पर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पे।